फाइनली गाइस अपने इंडियन बैकड्रॉन 3D गेम के अंदर लॉइन आ चुका है और ये लॉइन देखने में बहुत ज्यादा खूंखार नजर आता है। बट गाइस आप लोग इस लॉइन को सीधे चीट कोड डालकर नहीं ले सकते। अगर आप लोगों ने उस फाइल को अपने गेम में लोड नहीं किया तो आप चीट कोड डालकर भी इस लॉइन को स्पॉन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको चीट कोड पता भी है तब भी आपको अपने गेम में लॉइन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि आप उस लिंक को कहाँ से कॉपी करोगे और कहाँ पर जाकर पेस्ट करोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बंदे कॉमेंट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे चीट कोड तो पता है बट हम गेम के अंदर लॉइन ले ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ गया। जैसे आप ये देखो, जैसे ही मैं 11 डायल करता हूँ तो मेरे गेम के अंदर लॉइन आ जाता है, क्योंकि मैंने अपने गेम के अंदर उस लिंक को पेस्ट कर रखा है। तो आपको इस लॉइन की लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो सिंपली आप वहां से कॉपी कर लेना। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन के अंदर आना है एंड इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्लगिंग पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। ऐसा करते ही आपके गेम में लिखा आएगा प्लीज वेट या फाइल लोडेड। मेरे में लिखा आ रहा है फाइल ऑलरेडी लोडेड, क्योंकि इस फाइल को मैंने लोड कर लिया है। इस प्रोसेस को करने के बाद जैसे ही आप अपने गेम के अंदर 11 डायल करते हो तो आपको देखने को मिलेगा लॉइन, जिस लॉइन की डिमांड आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे। और गाइस इस चैनल पर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैंने मिलिट्री बेस बनाया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आप भी अपने गेम के अंदर मिलिट्री बेस को लेना चाहते हो। तो मिलिट्री बेस लगभग 50% रेडी हो चुका है, तो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।